ପଢଉଛି ହେବେ। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करिबा हमर फोर्थ क्लास जो सीरीज रो हमर चलथला एप्टीट्यूड सीरीज जो चलछ हमर अपकमिंग एग्जाम पे बैंकिंग सेक्टर रो। ठीक अछि, तो तार डे नंबर 4 को हम आज स्टार्ट करिबा। तो टाइम को बेसी वेस्ट करिबा नै, सीधा हम क्वेश्चन को जिबा। चला क्वेश्चन नंबर 1 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 1 मो बाहर कोन थला, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अछि, पी एंड क्यू कैन कंप्लीट ए वर्क टुगेदर इन 16 डेज। अच्छा गोटे सेकंड टिकिया को इरेज कर देबा। देखो, पी एंड क्यू कैन कंप्लीट ए वर्क टुगेदर इन 16 डेज इफ पी अलोन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन एक्स डेज। अच्छा 1/3 ऑफ द वर्क जदि एक्स डेज रे कंप्लीट करला तो टोटल काम केते दिन कंप्लीट करिवो सर? 3x डेज रे। तो दिन को केते काम करिवो ना सर? 1/3x। देन आगो बढ़िवा कोन दिचान, द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाय क्यू। अच्छा मते को 1/3 काम जदि एक्स कला तो 2/3 काम के करिवो ना सर? क्यू मोर कंप्लीट करिवो केते दिन रे? 4x दिन रे। दैट मीन्स मते को टोटल काम केते दिन रे शेष करिवो ना सर? 6x दिन रे कंप्लीट करिवो। दैट मीन्स क्यू रो गोटे दिन रे काम केते ना सर? 6x। दि जन जक मिसी करी केते दिन रे काम को कंप्लीट करथले? 16 दिन रे। तो मिसी करी दिन को केते काम कंप्लीट करिवो ना सर? 1/16। अच्छा एटी एलसीएम नै ऐड करले केते आसबा ना सर? 9 डिवाइडेड बाय 18x इज इक्वल टू 1/16। 9 रे कैंसिल करले 2, 2 रे कैंसिल करले 8। दैट मीन्स एक्स रो वैल्यू केते आसिबो मोर ना सर? 8 आसिबो। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़िवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रक पी एंड क्यू आर मूविंग अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 140 मीटर इफ द स्पीड ऑफ द ट्रक पी एंड क्यू आर 11 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। अच्छा देखो, ट्रक पी एंड क्यू कौन करते ना सर? सर्कुलर राउंड रो मूविंग अराउंड द सर्कुलर ग्राउंड दीचे। दैट मीन्स तार को अनुसार मूव करथो ना सर? तार परिधि ऊपर से कौन करथो ना सर? सर्कमफेरेंस ऊपर से कौन करथो ना सर? सर्कल काटु दबो। जदि मोर परिधि ऊपर सर्कल करते तो टोटल डिस्टेंस केते कवर करबे ना सर? 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करबे। दैट मींस मो कहि परबे 2 × 22 डिवाइडेड बाय 7 इनटू आर रा वैल्यू मो पर केते अछि ना सर? आर रा वैल्यू क्वेश्चन ने मते देथला 140। अच्छा एको कैंसिल करले केते आसबे ना सर? 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करिया वैल्यू केते आसबे ना सर? 880 मीटर टोटल डिस्टेंस। अच्छा मते को पी रा स्पीड केते थला ना सर? 11 मीटर पर सेकंड। तो गोटे राउंड काटिया पें तो केते सेकंड लागिवो को ना सर? 80 सेकंड। तो दीटा राउंड क्वेश्चन ने देथला कोन मते? What is the difference between the time taken by P and Q to complete 2 round of the ground? तो दीटा राउंड मारिया पें केत समय लगिवो कोन सर? 160 सेकंड लगिवो। सिमिलरली जदि टोटल 880 डिस्टेंस अछि, Q रो स्पीड थला सर 20, तो याको केत समय लगिवो मते को वर्तमान ना सर? दीटा राउंड को कंप्लीट करिया पें को केत समय लगिवो ना सर? 2 को 2 रे कैंसिल करले 88 सेकंड लगिवो। तो डिफरेंस केते आसिवो को मते ना सर? डिफरेंस मो पकरा आसिवो 72। ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर थ्री दे थला, विशाल इन्वेस्टेड रुपीज 11,000 इन ए स्कीम ऑफरिंग 12% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। 12% तीन वर्ष पाए, दैट मींस टोटल इंटरेस्ट केते आसीबो? 36% ऑफ कहार ना सर? 11,000। तो टोटल इंटरेस्ट आसीबो केते? परसेंटेज कैंसिल। दैट मींस सर 3960। देन क्वेश्चन है थला, विवेक इन्वेस्टेड रुपीज 12,000 इन ए स्कीम ऑफरिंग 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। अच्छा 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर वैल्यू केते ना सर? 31.33.1% मोर कोन आसीबो ना सर? इंटरेस्ट रो वैल्यू आसीबो कहा ऊपर आसीबो ना सर? 12,000 ऊपर। अच्छा 12,000 रो ये वैल्यू केते दबो? पॉइंट को ये जीरो मोर कैंसिल। दैट मींस सर 3972। क्वेश्चन ने मते कोन पचार थला? क्वेश्चन ने पचार जे फाइंड द डिफरेंस इन इंटरेस्ट अर्न बाय विशाल एंड विवेक इन 3 ईयर। केते डिफरेंस आसछि इंटरेस्ट ना सर? 12 रो डिफरेंस आसछि। दैट मींस ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। होप कि 3 नंबर क्वेश्चन में क्लियर थबो। बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 दला, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 2:3। इन्वेस्टमेंट और रेशियो कितना अच्छा ना सर? 2:3 अच्छे। देन इफ आफ्टर 1 ईयर द प्रॉफिट अर्न बाय ए इज 1200, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न इन द बिजनेस आफ्टर 1 ईयर। जदि मो पाखरे टाइम पीरियड कौन थाए ना सर? टाइम पीरियड जदि मो पाखरे कौन थाए ना सर? सेम थाए। दैट मींस जहां भी मोर प्रॉफिट आसीबो से केवल और केवल कौन आसीबो? इन्वेस्टमेंट रेशियो अनुसार आसीबो। दैट मींस ए र प्रॉफिट रेशियो 2 अछि, तो 2 रा वैल्यू मो पाखरे केतला 1200। तो 1 यूनिट रा वैल्यू केते आसीबो? 600। तो टोटल प्रॉफिट केते आसीबो 5 यूनिट रा वैल्यू ना सर? 3000। दैट मींस अगेन ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 दला, ए वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मिक्स्ड इन द रेशियो 9:5।
मिक्सचर को रेशियो रे मिक्स अछन ना सर 9:5 रेशियो रे मिक्स अछन जो थरी कि मिल्क आ वाटर अछे 84 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट जदे 84 लीटर रो मिक्सचर बाहर करू छी तो रिमेनिंग जो क्वांटिटी रहइबो से भी 9:5 रेशियो रे रहइबो देन कोन हिजु को मते फ्रॉम द वेसल एंड रिप्लेस्ड विथ 19 लीटर ऑफ द वाटर दैट मींस एबे वर्तमान 19 लीटर ऑफ वाटर मिसला तो रेशियो रे फरक कहर आसीबो ना सर रेशियो रे फरक मो पखरे वाटर रे आसीबो किंतु मिल्क रे रेशियो समान रहइबो देन क्वेश्चन इज सो दैट द रेशियो ऑफ द वाटर टू मिल्क इज 6:7 दैट मींस मिल्क और वाटर रो रेशियो केते अछि ना सर 7:6 अच्छा एठी देखो मो पखरे मिल्क रो रेशियो रे फरक आसी जाइछे तो याको 7 रे मल्टीप्लाई करले याको 6 रे सॉरी याको 9 रे मल्टीप्लाई कर दवा तो ये वैल्यू केते आसला 35 ये वैल्यू केते आसला मो पर 54 डिफरेंस केते अछि ना सर 19 काहे कि ना सर 19 लीटर मो पखरे वाटर मिसि जदि 19 रो वैल्यू 19 हो त 1 रो वैल्यू केते आसीबो 1 है अच्छा एठी देखला 9, 5, 14, 7 तो 98 यूनिट रो वैल्यू केते आसीबो ना सर 98 लीटर अच्छा 98 लीटर हेला केते बले जते बले 84 बाहर गले तो 98 रे 84 मिसिले इनिशियली मो पहर केते लीटर थिला को ना सर ऑप्शन नंबर बी 182 लीटर एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर क्लियर बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्वेश्चन नंबर 6 दला ए शॉपकीपर मार्क डन आर्टिकल 60% अबव द कॉस्ट प्राइस केते होछ जाना नै 60% अबव द कॉस्ट प्राइस जाई छी देन त पर सोल्ड इट एट रुपीस केते दे छी मतलब ना सर 9216 आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट दैट इज कोन ना सर 10% रे गोटे डिस्काउंट देन त पर केते ना सर 20% रे गोटे डिस्काउंट फाइंड द कॉस्ट प्राइस अच्छा देखो वैल्यू गुड गुड मोर कैंसिल ही पड़छ 9 रे कैंसिल करले 910 जर 90 92 जर देन 94 जर 32 रे को कैंसिल करले केते आसे 32 टाइम्स तो 32 इनटू मो पर केते अछि 250 32 इनटू 250 वैल्यू केते दला मते ना सर 8000 दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर क्लियर हो गेला बढ़ेगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 7 देखा क्वेश्चन नंबर 7 मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:7 मंथली इनकम रो रेशियो केते अछि ना सर 6:7 देन तबर जे मंथली सेविंग ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:8 मंथली सेविंग्स मो पर केते छ ना सर 5:8 केते बेले ना सर बोथ रो ए आउ बी रो एक्सपेंडिचर केते छ ना सर 1300 ईच दैट मींस ये वैल्यू का हमें कौन करि परबा ना सर याको हमें रेशियो का हमें कौन करि परबा ना सर ये मेथड रे बतो ना को सॉल्व करबा तो देखो एको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड रे सॉल्व कर छी ये 48 ये 35 डिफरेंस केते छ 13 यूनिट रो एठी मो पकर देखा 8-5 डिफरेंस केते आसो 3 × 13000 रो अच्छा 13 ने को कैंसिल करले 1000 दैट मींस 1 यूनिट रो वैल्यू केते आसला 3000 तो 6 यूनिट रो वैल्यू मते पचर छी फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ए तो ए रो वैल्यू केते हो 1 रो वैल्यू जदी 3000 तो 6 रो वैल्यू केते हो ना सर 18000 ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर बढ़ियो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 गले इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 10% ऑफ द कास्ट वोट्स आर इनवैलिड द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 48% अच्छा 10% कोन हे गला मोर ना सर इनवैलिड तो 90% रहला मो पकरे 48% कास्ट वोट मोर कोन पाइछ ना सर विनर पाइछ तो लूजर केते पाइबो 42 दैट मींस गैप केते असला को ना सर 6% रा 6% रा वैल्यू केते दिछि 510 तो मते को 1% रा वैल्यू केते असबा ना सर एको कैंसिल करले 6 × 48 = 3 = 30 = 56 = 30 क्वेश्चन पचार जे कोन फाइंड द नंबर ऑफ वोट रिसीव्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट दैट मींस 48% तो 48% रे वैल्यू केते होबो क्लियर हो छे तो मल्टीप्लाई करिवा कहां से त ना सर 48 × 85 को मल्टीप्लाई करिवा तो मल्टीप्लाई करो केते आछे देखो अच्छा 80 मो लिख देली 85 ठीक है छे 8 × 5 = 40 × 5 = 20 मो पहरे केते गेला ना सर 64 20 = 64 केते गेला मोर 84 84 4 केते आछे ना सर 88 8 8 देन देखो 8 × 4 केते गेला 32 32 से 8 मिसि केते गेला ना सर 40 दैट मींस 4080 ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर क्लियर अब वो बढ़वा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़वा क्वेश्चन नंबर 9 ए सर्कुलर पार्क हैज बीन फेंस्ड एट ए रेट ऑफ रुपीस 6 पर मीटर इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 3168 टोटल रुपीस केते लागी छि 3168 दैट मींस जदी हम 6 से डिवाइड करियै मते कोन मिलबा ना सर टोटल सर्कमफेरेंस रे वैल्यू मते मिल जइबो तो 6 रे कैंसिल करले केते आसो ना सर 56 = 30 116 × 12 = 48 दैट मींस हमर सर्कमफेरेंस रे वैल्यू आसो तो 2 पाई आर रे वैल्यू मो पर केते आसला को ना सर 528 तो एठी 2 आर रे वैल्यू मते पचार छी तो एठी रख देले मो 22 / 7 is equal to 528 22 रे को कैंसिल करले केते आसो 24 टाइम्स तो 24 × 7 केते आसो 168 ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर
क्लियर क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन को बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दला इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ द बोट इन बोट ऑफ स्ट्रीम सॉरी स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टील वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम द बोट कैन कवर 70 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अच्छा 70 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम रे जाउछि दैट मींस स्पीड ऑफ बोट 3x थला स्ट्रीम रो स्पीड x थला तो डिवाइडेड बाय 4x प्लस 63 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम रे वैल्यू कते आसे मो पकर आंसर 2x इज इक्वल टू कते दिजे 7 7 रा को कैंसिल करले 9 टाइम्स 7 रा को कैंसिल करले 10 टाइम्स 2 रे कैंसिल करले 2 2 रे कैंसिल करले 5। अच्छा 5 6 9 कते आसे आंसर 14 डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू 1 दैट मींस x रा वैल्यू कते आसे 7। क्वेश्चन ने मते पचार थला कोन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर दैट मींस 3x रा वैल्यू मते पचार छि दैट मींस 7 * 3 द वैल्यू कते आसे 21। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। होप कि दस्तिया का क्वेश्चन पूरा क्लियरली बुझा पड़थिबो। जो मानकर काली एग्जाम अछि समानको एग्जाम पे ऑल द बेस्ट। टोटल हेक्टिक होबने एग्जाम आराम से जिकरे आसीबो ठीक अछि। ये सीरीज किंतु हमर कंटिन्यू होबो प्रत्येक दिन पोस्ट होइबो हमर वीडियो आ प्रत्येक दिन ये वीडियो को फॉलो करथु ठीक अछि। थैंक यू टेक केयर बाय बाय।